तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमारे पास मर्सिडीज C200 आई हुई है। तो फ्रेंड इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड ये हमारी गाड़ी कुछ दिन पहले हमारे पास आई हुई थी, तो हमने इसको टोइंग करके अपने गैरेज पे लाया था। तो फ्रेंड हमने इसका स्कैनिंग किया था, स्कैनिंग में क्रैंक सेंसर का फॉल्ट बताया था। तो हमने इसका क्रैंक सेंसर रिप्लेस करके और गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी दे दिया था। तो 20 से 25 दिन ये गाड़ी बराबर चला, कोई प्रॉब्लम नहीं, पिकअप प्रॉब्लम नहीं, स्टार्टिंग में बंद पड़ने का प्रॉब्लम नहीं, चेक लाइट का प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड परसों क्या हुआ, गाड़ी जब कस्टमर चेंबूर जा रहे थे तो अचानक चेक लाइट आ गया और गाड़ी पिकअप तोड़ने लगा और गाड़ी बंद भी पड़ने लगा। तो हमने इसको गैरेज पे लाया है, गैरेज पे ला के हमने इसके स्कैनिंग किया, तो स्कैनिंग में क्रैंक सेंसर का फॉल्ट बताया और मीटर पे चेक लाइट भी आ रहा है। देखिए हमारी गाड़ी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी गाड़ी स्टार्ट बराबर होती है, देख सकते हैं। ये देखिए हमारी हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन मीटर पे चेक लाइट कंटिन्यू रहता है। और चेक लाइट आने के बाद फ्रेंड क्या होता है, गाड़ी चलते समय बंद भी पड़ने लगता है और पिकअप भी तोड़ने लगता है। तो फ्रेंड इसका हमने इसका क्या किया, स्कैनिंग किया तो फिर से क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आ रहा है। तो हमने इसको कल फिर से क्रैंक सेंसर रिप्लेस किया और क्रैंक सेंसर रिप्लेस करके हमने टेस्ट ड्राइव लिया। तो जब क्रैंक सेंसर रिप्लेस किया, क्लियर फोल्ड किया, तो हमारा चेक लाइट चला गया। लेकिन हमारा टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर से चेक लाइट आ गया, तो हमने फिर से उसको स्कैनिंग करके देखा तो फिर से क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड हमने इसमें 3 क्रैंक सेंसर से फ्रेंड रिप्लेस कर चुके हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है कि अब क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसका ACM चेक करना पड़ेगा। फ्रेंड क्या होता है, जो ACM से क्रैंक सेंसर को करंट जाता है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ACM में पानी जाने की वजह से या रस्टिंग पकड़ने की वजह से या मॉइस्चर पकड़ने की वजह से क्रैंक सेंसर को बराबर करंट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कभी रस्ते में कभी चेक लाइट आता है, कभी हमारा ऑटोमेटिक चला जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें इसका क्रैंक ACM ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 क्रैंक सेंसर रिप्लेस कर चुके हैं। फ्रेंड क्या होता है, 1 क्रैंक सेंसर में प्रॉब्लम आ सकता है, 2 में आ सकता है, सारे क्रैंक सेंसर फुल रहेगा नहीं। तो इसके लिए हम इसका एक बार ACM ओपन करेंगे, ओपन करके छुट्टा करके उसे चेक करेंगे कि ACM के अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या। अगर नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो उसके बाद हम फिर आगे देखेंगे, क्योंकि वायरिंग का तो फ्रेंड फोल्ड नहीं है, क्योंकि क्लियर फोल्ड करने के बाद इसका फोल्ड कोड क्लियर हो जाता है, नो फोल्ड करके आता है। तो इसके लिए हम वायरिंग पे इसका डाउट नहीं जा सकते हैं। अब ACM ही बचा है तो हम इसका ACM ओपन करेंगे, ओपन करके फिर चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हमारे क्रैंक सेंसर का फोल्ड बार बार आता है और हमारा मीटर पर चेक लाइट दिया जाता है। तो हम इसका ACM ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो हम इसका ACM ओपन करने जा रहे हैं, ओपन करके फिर आपको हम उसको छुट्टा करके दिखाते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है और क्यों हमारा ये क्रैंक सेंसर का फॉल्ट बार बार आ रहा है। फ्रेंड हम इसका ACM बाहर ले रहे हैं, देख सकते हैं। इसका ACM बाहर लेने के लिए इसका एयर फिल्टर बॉडी पूरा ओपन करना पड़ता है। तो ये हम एयर फिल्टर बॉडी से ACM को बाहर निकाल रहे हैं, इसमें 4 स्क्रू दिया गया है, उसको ओपन करेंगे और ACM को बाहर लेंगे। उसके बाद इसको ACM को ओपन करके चेक करेंगे कि हमारा क्या प्रॉब्लम है कि चेक लाइट बार बार आता है। फ्रेंड ये हमारा मर्सिडीज C200 का है ACM, जिसको हम आज रिपेयर करने वाले हैं। तो देखते हैं पहले कि हमारा रिपेयर होता है कि सेकेंड हैंड में रिप्लेस करना पड़ेगा। जो भी है हम पहले इसका ACM ओपन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड हमने इस गाड़ी में आपको बताया था कि हमारा गाड़ी इसमें हमने 3 बार क्रैंक सेंसर रिप्लेस किया है, तो भी हमारा क्रैंक सेंसर का ही फॉल्ट आता है। और गाड़ी जब वो क्रैंक सेंसर का फॉल्ट आने के बाद चेक लाइट आ जाता है तो गाड़ी हमारा बंद हो जाता है और मतलब रस्ते में बंद बंद पड़ने लगता है और पिकअप तोड़ने लगता है। तो फ्रेंड हमने इसका आपको बताया था कि हम इसका एक बार ACM ओपन करेंगे, चेक करेंगे। हमने इसका ACM ओपन किया, ओपन करके चेक किया, तो फ्रेंड हमें ACM में पूरा ऑयल भरा हुआ मिला। तो अब फ्रेंड आप सोचिए कि ACM में ऑयल कहाँ से गया। तो फ्रेंड हमने इसका ऑयल कहाँ से गया उसके लिए बहुत सारे चीज़ें हमने चेक किया, तो हमें जाके एक फोल्ड मिला है, वो हम आपको बताते हैं। आप देखिएगा, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसा हो गया कि ACM में ऑयल चला गया। तो
वो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका कैम सेंसर है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ये इसका कैम सेंसर है। तो फ्रेंड क्या होता है, एक कैम सेंसर जब ख़राब हो जाता है ना फ्रेंड, एक कैम सेंसर, तो कैम सेंसर ख़राब होने के बाद कारण ये इसका जो सॉकेट है नीचे का, उसके अंदर ऑयल जमा होने लगता है, मतलब सॉकेट से सॉकेट में ऑयल जाने लगता है। तो इसके थ्रू, इस सॉकेट के थ्रू तार को पकड़ कर वो ऑयल एसी में चला जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं इसका सॉकेट ओपन करके, ये देखिए जलाइए, ये देखिए फ्रेंड, ये देख सकते हैं आप इस सॉकेट में, ये देखिए ऑयल भरा पड़ा है, ये देखिए, ये देखिए ऑयल देख सकते हैं, देख रहे फ्रेंड। तो ये कैम सेंसर इसका ख़राब होने के कारण यहाँ से ऑयल उतर कर इसमें जमा होता है और अंदर से इफेक्ट होकर जो तार का थ्रू रहता है उसके तार के थ्रू दोबारा होकर इधर एसीएम में आता है, ठीक है फ्रेंड। ये इसका एसीएम है, तो एसीएम में आके जमा होता है, तो एसीएम में, तो फ्रेंड देख सकते हैं दोनों, ये देखिए वन कैम सेंसर है, टू कैम सेंसर है, देखिए इसके अंदर भी वही हाल है। हम आपको सॉकेट ओपन, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए इसके अंदर भी ऑयल भरा पड़ा है। तो दोनों कैम सेंसर खराब होने के कारण, इसके अंदर ऑयल जमा होने के कारण हमारे एसीएम खराब हुआ है। तो फ्रेंड हमने इसका एसीएम भी ओपन किया था, तो उसके अंदर हमें पूरा ऑयल भरा हुआ मिला, ठीक है फ्रेंड। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका कैम सेंसर दोनों रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसका दोनों कैम सेंसर रिप्लेस करेंगे और इसका एसीएम भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जाने के कारण हमारा एसीएम शॉर्ट हो चुका है। तो हमने उसे बनाने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो बन रहा नहीं, तो इसके लिए हम इसका एसीएम भी रिप्लेस करेंगे और ये दोनों कैम सेंसर भी रिप्लेस करेंगे। कि फ्रेंड क्या होगा, अगर हम एसीएम रिप्लेस किए, एक कैम सेंसर रिप्लेस नहीं किए, तो फिर इसके थ्रू ऑयल जाकर फिर हमारा एसीएम शॉर्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कैम सेंसर जो है दोनों रिप्लेस करेंगे और इसके बाद हमारा एसीएम रिप्लेस करेंगे। तो हम फ्रेंड इसका कैम सेंसर ओपन कर रहे हैं, तो जैसा कि फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा बैंक वन कैम सेंसर है, ये देख सकते हैं इसके अंदर पूरा ऑयल भरा पड़ा है, ठीक है। तो फ्रेंड हमने इसका कैम सेंसर भी अरेंज किया है, ये देख सकते हैं इसका नया कैम सेंसर है, ये देखिए फ्रेंड, तो इसका नया कैम सेंसर है। अब इसे हम फिट करेंगे और फिट करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड इसके अंदर एक और ये है, ये इसका रबड़ बूश है जो इसके बीच में हमको लगाना है। ये देखिए, ताकि ये ऑयल बाहर ना निकले उसके लिए दिया गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा जो सील है वो भी प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है, ये देखिए अंदर से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। ये ऑयल को स्टॉप करने के लिए देता है, अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो यहाँ से ऑयल आपका बाहर आकर पूरा इंजन लॉक हो सकता है। तो इसको कभी भी केयर कीजिएगा, ये लगाने से पहले आप इसका रिंग बिठा दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको फिट करते हैं, तो फ्रेंड ये हमारा एक फिट हो चुका है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा भी फिट करेंगे, तो फ्रेंड अब हम दूसरा कैम सेंसर बिठाएंगे, देखिए ये हमारा दूसरा कैम सेंसर है,
इसके अंदर भी फ्रेंड देखिए आर पार होल है, इसके अंदर भी हम जो ये सील है इसको बिठाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका हमने दूसरा भी सील बिठा दिया है, जैसे तो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। ठीक है, अब ये कैम सेंसर को भी हम बैंक टू कैम सेंसर को भी हम फिट करेंगे। तो फ्रेंड हमने दोनों कैम सेंसर रिप्लेस कर दिया है, अब इसको फाइनल टाइट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड ये दोनों कैम सेंसर हमारा रिप्लेस हो चुका है, देख सकते हो। ये हमारा जूना वाला है, ये गाड़ी में जो लगा है नया वाला है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड जो देख सकते हैं ये जो सॉकेट में जो ऑयल भरा है इसको हम दोनों को पेट्रोल से एकदम क्लीन करेंगे, उसके बाद ही सॉकेट लगाएंगे दोनों साइड का। ठीक है, तो आपको पेट्रोल से क्लीन करके साफ करके फिर लगाते हैं। और इसके बाद फ्रेंड ये लगाने के बाद हम इसका एसीएम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने इसका ऑलरेडी एसीएम ओपन करके रखा है और जूना वाला देख सकते हैं गाड़ी के अंदर फिट है, क्योंकि फ्रेंड देख सकते हैं हमने इसका एसीएम ओपन करके रखा है। ये आपको निकाल के दिखाते हैं, ये देखिए ये जूना वाला है। ठीक है, तो हमने इसका दूसरा एसीएम अरेंज कर लिया है। तो कैम सेंसर हमारा अवेलेबल नहीं था, हमने ऑर्डर दिया था, तो हमारा कैम सेंसर अभी आज आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने सोचा इसका कैम सेंसर दोनों रिप्लेस करके फिर हम दूसरा एसीएम लगाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हम दूसरा एसीएम रिप्लेस कर देंगे और कैम सेंसर हमारा जूना रहेगा तो फिर से हमारा एसीएम वो भी शॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका कैम सेंसर रिप्लेस किया है, अब इसका एसीएम हम आपको दूसरा वाला जो हमने अरेंज किया है उसे भी रिप्लेस करके दिखाएंगे। ये हमारा जूना वाला है जो गाड़ी में फिट है, अब दूसरा जो फिटिंग करने का वो हम आपको फिट करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड हमने इसको पेट्रोल से सॉकेट को पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, अब थोड़ा हवा मार देंगे सॉकेट पे। हवा खोलिए, कम की और थोड़ा खोलिए, बस थोड़ा कम कीजिए, कम करिए। तो फ्रेंड हमने उसको देखिए पूरी तरह से क्लीन कर लिया है सॉकेट को, दोनों सॉकेट को। ठीक है, अब हम दोनों सॉकेट प्रेस कर देंगे, देखिए इस तरह से ये हमने बिठा दिया है एक सॉकेट और ये हमने दूसरा सॉकेट। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा कैम सेंसर पूरी तरह से फिट हो चुका है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने इसका दोनों कैम सेंसर रिप्लेस कर दिया है, अब हम इसका एसीएम रिप्लेस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा दूसरा एसीएम है, ये हम रिप्लेस कर रहे हैं और इसका जूना वाला एसीएम आपको दिखाते हैं। तो हम ये एसीएम को रिप्लेस करके एयर फिल्टर बॉडी में आता है फ्रेंड, एयर फिल्टर बॉडी इसके लिए ओपन करना पड़ता है एसीएम के लिए। तो हम एसीएम को फिट करेंगे और फिट करके गाड़ी में लगा कर उसका स्कैनिंग करके फोल्ड कोड चेक करेंगे, कोई फोल्ड कोड आता है क्या। अगर समझ लीजिए कोई फोल्ड कोड नहीं है, हमारा कैम सेंसर का फोल्ड कोड आ रहा था, अगर समझ लीजिए हमारा कैम सेंसर का फोल्ड कोड चला जाता है तो हमारा गाड़ी ओके हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो हम एक बार स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा एसीएम फिट हो रहा है, एयर फिल्टर बॉडी में फिट कर रहे हैं, फिट करके उसके बाद इसको गाड़ी में फिट करेंगे और उसके बाद इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे। ये फिट करने के बाद सबसे पहले आपको स्कैनिंग करके चेक कराते हैं कि हमारे इसके मतलब स्कैनर में कोई फोल्ड कोड आता है क्या। तो देख सकते हैं फ्रेंड ये एसीएम हम फिट कर दिए हैं एयर फिल्टर बॉडी में, अब इसका सॉकेट लगा रहे हैं।
जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हम एयर फिल्टर बॉडी को फिट कर रहे हैं, इसे फाइनल फिट करके, और उसके बाद आपको स्कैनर लगा के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा जूना वाला एसी हम है इस गाड़ी का, जिसमें ऑयल जाने के कारण के वजह से पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका था, तो हम इसमें दूसरा एसी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा पुराना वाला एसी हम है इस गाड़ी का, अब हम इसमें दूसरा एसी हम फिट कर रहे हैं, और फिट करके स्कैनर लगा के फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा एसी हम पूरी तरह से फिट हो चुका है, एयर फिल्टर का बॉडी वॉडी जो भी हमने ओपन किया था वो भी पूरी तरह से फिट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर लगा के आपको दिखाते हैं कि जो हमारा क्रैंक सेंसर का फॉल्ट कोड था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी मर्सिडीज C200 है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका स्कैनर लगाया है, अब हमको आपको दिखाते हैं इसका फॉल्ट कोड। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे स्कैनर में कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, नो फॉल्ट कोड करके आ रहा है। तो हम गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा जो चेक लाइट का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने इसमें एसीएम और कैम सेंसर दोनों रिप्लेस किया है। ठीक है फ्रेंड, अब हम एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेते हैं, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर हम आपको टेस्ट ड्राइव लेके फिर एक बार आपको दिखाते हैं। फ्रेंड, हम इसका एसीएम रिप्लेस करके टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं मीटर पे हमारे कोई चेक लाइट भी नहीं आ रहा है, तो हम इसका टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। थोड़ा लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे ताकि थोड़ा रनिंग होने के बाद चेक लाइट ना आए या कुछ होए, उसके लिए हम इसको थोड़ा लंबा टेस्ट ड्राइव लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे गाड़ी में पिकअप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले पिकअप का प्रॉब्लम था, गाड़ी बंद पड़ता था रनिंग में, अभी देखिए गाड़ी बंद नहीं पड़ रहा है, पिकअप का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। फ्रेंड, अभी हम फिलहाल ब्रिज पे चढ़े हैं, ये ब्रिज बहुत लंबा है, ये पूरा ब्रिज हम ट्रायल मारेंगे, उसका 2-3 किलोमीटर ट्रायल मारेंगे, और उसके बाद फ्रेंड हम गैरेज पे पहुंचकर उसके बाद से फिर से इसको स्कैनिंग करेंगे, और स्कैनिंग करके फिर से चेक करेंगे कि हमारा स्कैनिंग में कोई फॉल्ट कोड आता है क्या। अगर हमारा स्कैनिंग करने में कोई फॉल्ट कोड नहीं आएगा तो समझ लीजिए हमारा गाड़ी एकदम ओके है। और अभी हम रनिंग करके चेक कर रहे हैं कि हमारा रनिंग करने के बाद भी चेक लाइट आता है क्या। अभी देखते हैं, अभी तक तो फिलहाल कोई चेक लाइट नहीं आया है, हमने कम से कम 3-4 किलोमीटर इसका रनिंग कर लिया है। तो फाइनली फ्रेंड, हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके गैरेज, तो फ्रेंड हम गैरेज पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी तक हमारे मीटर पे कोई भी चेक लाइट नहीं आया है, ये देख सकते हैं, ये देखिए नजदीक से, देखिए हमारे मीटर पे किसी प्रकार का कोई भी लाइट नहीं है, ये हमारी गाड़ी चालू है। ये देखिए, हम रेस करके दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फिर से हम इसका एक बार स्कैनिंग करेंगे, और स्कैनिंग करके आपको दिखाते हैं कि कोई फॉल्ट कोड आता है या नहीं आता है। देखते हैं हमारे मीटर पे कोई चेक लाइट नहीं आया है, तो इसका हम देख सकते हैं, स्कैनर का हमने लीड लगाया हुआ है केबल। ठीक है, तो हम एक बार और स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग करके चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये गाड़ी फ्रेंड हमारी पूरी तरह से ओके हो चुकी है, इसमें कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं, नो फॉल्ट कोड। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने इसका आपको स्कैनिंग करके भी दिखा दिया, अब हमारे गाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट नहीं है, स्कैनर में भी नो फॉल्ट करके आ गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम आपको बाहर का थोड़ा हिस्सा दिखाते हैं। और ये दोनों कैम सेंसर रिप्लेस किया है, और एसीएम किस वजह से रिप्लेस किया है ये भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है। फ्रेंड, इसका एसीएम इसके लिए रिप्लेस करना पड़ा है, जो दोनों कैम सेंसर है
एकेएम सेंसर खराब होने के कारण इसका जो सॉकेट है, इसमें ऑयल भरने के कारण ये जो इसका सॉकेट देख सकते हैं, या एकेएम सेंसर अगर इसका खराब हो जाता है तो इसमें ऑयल आने लगता है। तो सॉकेट में ऑयल जमा हो होकर यहाँ से तार के थ्रू, कनेक्शन से जो तार के थ्रू आता है अंदर 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 पूरा एसीए में जाके भर गया था। ठीक है फ्रेंड, तो एसीए में जाके भर गया था, इसकी वजह से इसका एसीए हमने ओपन किया तो इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ मिला, तो ऑयल जाने के कारण से इसका एसीएम शॉर्ट हो चुका था। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए हमने इसका एसीएम और कैम सेंसर हमने दोनों रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद हमारा, हमने इसका गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया, गाड़ी में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पिकअप का जो प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था, चलते चलते गाड़ी बंद हो जाता था, वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो फ्रेंड सिर्फ हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए हमने बनाया है, क्योंकि फ्रेंड जो हमने प्रॉब्लम फेस किया है, हम नहीं चाहते कि सामने वाला भी फेस करे, क्योंकि फ्रेंड हमने इसमें कम से कम 10 दिन इस गाड़ी में काम किया है, तब जाके हमें प्रॉब्लम मिला है। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको बता देते कि आपके अगर किसी गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आए, अगर क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम आए, अगर आपने क्रैंक सेंसर डाला और डालने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होता हो, तो प्लीज़ एक बार एसीएम को ओपन करके देखिएगा, और एसीएम ओपन करने से पहले कैम सेंसर का सॉकेट निकाल के देखिएगा कि उसमें ऑयल जमा होता है कि, अगर ऑयल अगर जमा होता रहेगा तो समझ लीजिएगा क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम नहीं है, एसीएम का प्रॉब्लम है और कैम सेंसर का प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम सिर्फ अपने मैकेनिक भाइयों के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपका ये हमारा वीडियो हमारे मैकेनिक भाइयों को अगर पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।